हेलो। जय जय माता दी। माता की। अच्छा भाई साहब, ये यूट्यूब में देखा था मैंने आपका। जी, बताइए। अच्छा हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं 2017 में, आप कहाँ से, मतलब सॉरी, कहाँ से बोल रहे हैं? आप भी पंडुकर धाम गए थे क्या? अच्छा, जी, बिल्कुल सही पकड़े आपने। हाँ सही पकड़ा। जी, अच्छा, तो आप इच्छा रखते हैं कि मैं आपकी वीडियो बना के डालूं? तो बिल्कुल बिल्कुल, 100%। फिर आप पूरी डिटेल्स बहुत प्यार मोहब्बत से, शुरुआत से, कैसे कैसे आप वहां गए और कैसे कैसे हुआ, मुझे पूरा बताइए। मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूँ, अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? सुशील कुमार लहरे सुशील कुमार लहरे जी। जी। भोपाल, प्रॉपर भोपाल जी? भोपाल, हाँ प्रॉपर भोपाल में ही रहता हूँ। ये भोपाल रेलवे स्टेशन के पास है मेरा घर। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? ये बिल्डिंगों में जो लोहा बनता है ना, हाँ इसका ठेका लेके काम करता हूँ। हाँ, ठीक। अब आप बताइए। तो 2017 में मैं गया था गुरु शरण महाराज के पास में। अच्छा हाँ मेरा किसी मित्र ने बताया था, तो वो मेरे को कुछ समस्या था बहुत बड़ा, मतलब समस्या ही समझो उसको, तो काम धंधा नहीं चलना, और काम धंधा चले भी तो छूट जाना, और प्लस घर में पैसा नहीं रुकना, घर मेरा है नहीं, कि खुद का जमीन था नहीं मेरे पास में, और अभी भी नहीं है। अच्छा ये आवास योजना के तहत जो मकान मिलता है प्रधानमंत्री का, हाँ उस पे मुझे मिला हुआ है, अच्छा तो इसी के विषय में मैं पूछने गया था वहां पर। जी अच्छा फिर तो वहां पर मैं 2100 रुपये की पर्ची कटवाया था। 2100 रुपए की? जी, उस टाइम 2017 में 2100 तक की ही चलता था, हाँ, वही अभी तो इतना हो गया है कि अपनी औकात ही नहीं है उतना। तो दिक्कत हो गई। जी, तो हम 2100 के पर्ची कटवाए, फिर उनसे मिले, अच्छा और मिलने के बाद में फिर वो एक पर्ची बनाए, जो भी है जैसा बनाते हैं वो वही जाने, हमको तो पता नहीं है। फिर हाँ हम उनके सामने गए, और फिर उन्होंने हमसे पूछा क्या पूछना है बोलिए करके। अच्छा कई दिन में नंबर आया था आपका? जो वो नंबर देते हैं ना, कि आदमी जैसे हम पहले पहुंचे हैं या वो पहले पहुंचे हैं, हमसे पहले पहुंचे होंगे तो उनका पर्ची पहले कट चुकी होगी। अच्छा, आपका जो पर्ची कटवाई थी, तो वो कब कटवाई थी आपने? वो डेट याद है? जब मैं यहाँ से गया था तो 2017 में। 2017 की बात है? अच्छा जी, ठीक है। फिर मैं वहां पर गया और पर्ची कटवाया, और मेरा नंबर आया भी, और उनसे मुलाकात भी हुआ गुरुदेव से। फिर अच्छा उन्होंने हमसे पूछा कि क्या पूछना है बोलिए, पर्ची तो शायद बना रखे थे, और कुछ शब्द ऐसा बोला कि मेरे सामने ही, मतलब वो लिख रहे थे उसमें जो शब्द, मतलब वहां पे मुझे पूछना था वो शब्द शायद उसमें उसकी पर्ची में नहीं लिखा था, अच्छा ठीक। मेरे बोलने के बाद में वो उन्होंने लिखा ये शब्द। तो हल्का सा मेरे मन में डाउट तो हुआ, पर इतने लोगों के बीच में मैं भयभीत हो गया कि कैसे बोलूं, किस प्रकार से बोलूं, क्या बोलूं इस टाइप का। तो अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा गुरुदेव घर नहीं है, और मैं बहुत ग्रस्त समस्या में घिरा हुआ हूँ, मेरी 3 पुत्री है, मेरा पर्ची अभी भी लिखा हुआ है उनके पास, मेरा वो लिखा हुआ पूरा फोटो मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, मेरी 3 पुत्री है, पुत्र की लालसा तो मैंने कुछ नहीं बताया था कि मेरे को पुत्र चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, पर उनकी पर्ची में लिखा हुआ आया कि 3 पुत्री है, पुत्र होगा हवन करवाने के बाद, लिखा हुआ उसमें। डिटेल में आपको भेजूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। और 2017 में तो मैंने पूछा कि गुरुदेव क्या करना पड़ेगा, तो बोले हवन करवाना पड़ेगा, और 5 अमावस्या का लिखा था। 5 अमावस्या के बीच में 3 अमावस्या के उसमें उन्होंने 0 मार दिया, कोई अमावस्या नहीं। 3 अमावस्या करने के बाद, मैं गरीब आदमी हूँ बिल्कुल, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं बिल्कुल लाचार हूँ, मतलब अभी भी समझ लो वैसे ही हूँ जैसे पहले था, उससे तो बेकार ही हो गया और ज्यादा वहां जाने के बाद।
मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं किस तरीके से क्या करूं और क्या ना करूं, बट फिर भी मैं माता जी का भक्त हूं शुरू से। मैं सलकनपुर वाली भी जैसन माँ को मानती हूं। तो 5 अमावस्य करना था, उसमें से 3 अमावस्य को उन्होंने 0 कर दिया। ठीक है। मैंने किसी ड्राइवर, जो गाड़ी जाते हैं ना अपन बोलेरो से वहाँ जाते हैं झांसी से, उनसे पूछा था, तो मैंने, उन्होंने बोला कि भैया काम करो आप 300 रुपये कटवा लो, नहीं है तो। ऐसा दो बार करके मैंने 3 बार भी वही काम करा। अब पैसा ना होने के कारण, लेकिन उनका कहना था कि 1100 का प्रथा है तो 1100 ही कटवाना पड़ेगा, ऐसा कह करके उन्होंने 0 मेरा 3 अमावस कट कर दिया। और जबकि अमावस में आप गए हैं? जी, पूरे अमावस में गया हूँ, मेरे पास सारे पर्ची रखे हैं, 11 के 11 पर्ची 11 महीने तक गया हूँ लगातार। मतलब अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो इसलिए आपका काम नहीं हुआ? जी जी, मंत्र जाप करो या ना करो, पूजा पाठ करो या ना करो, 1100 रुपये आपको देना है तो देना ही है। अच्छा, मतलब आपने पैसे नहीं दिए तो फिर वो बेकार हो गया? नहीं है तो फिर वो हमारे बैंक खाता का नंबर बताएंगे, कौन से बैंक में खाता है, कितना पैसा पड़ा है, ये सब बता देंगे। ऐसा मतलब किसी और ने बताया हमें, वो जो उनके कोई बैठते हैं, क्या नाम है उनका, मेरे को होगा जो भी हो, कोई तो हाँ, होगा जो भी है। तो मतलब कुल मिला के आपकी समस्या क्या थी? लगभग समस्या ये थी कि काम धंधा मेरा नहीं चलता है। वो आपने बता दिया उन्हें? हाँ, सारा चीज बताया मैंने। तो उसका उन्होंने क्या क्या लिखा? उसमें लिखा है कि आपके 2020 तक समस्या का समाधान होगा और पुत्र होगा हवन से। अच्छा, अगर हवन करवाएंगे तो होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। जी हाँ। तो ठीक है, हवन छोड़ो आप भाई, काम जब 2020 में बताया तो हो जाना चाहिए। और भवन का बोला था, घर का, जमीन का, घर मेरे है भी नहीं, तो मैंने घर घर चाहिए गुरुदेव, तो घर होगा लिखा है उसमें, भवन होगा, भवन कब होगा? वो 2020 तक ही। अच्छा, तो आपका हो गया भवन? तो नहीं हुआ ना। और काम आपका? वो कोई भी काम उसमें से 100% कोई भी काम नहीं हुआ। तब फिर तो ठगाई हो गई ना सीधे। तो मेरे पास जो भी बैंक बैलेंस था, कुछ 25-30-40 हजार रुपए रखे थे, वो वहीं जाने में पूरा खर्च हो गए। अच्छा, मतलब 2100 की पर्ची आपने, 2100 की एक पर्ची कटाई जी, और हर अमावस्या गए? हर अमावस्या में 1100 रुपए की पर्ची कटनी है। ओहो, तो कह दिया जाए कि कुल मिला के आपके साथ मस्त ठगाई हो गई। जी, और उसके बाद में मेरे पास पैसे नहीं हो पाए, तो मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा है कि अमावस तो करना ही है। हाँ। तो होम लोन का एक होम लोन क्रेडिट जो चलता है, एक लोन लेने वाला, उनसे मैंने 50 हजार रुपए उठाया। अच्छा, मुझे जाना ही है, अब क्या करना है, तो गुरुदेव ने कहा है, आदेश दिए हैं, तो भाई ये जाना ही पड़ेगा। तो उनके उसके लिए मैंने लोन लिया, और वो लोन का कर्जा चुकाया, और इधर उधर करके मैंने वो पूरा अमावस पूरा कंप्लीट कर लिया। अच्छा, और उसके बाद भी आज तक हो गया, आज तारीख है, तो मैंने आपके वीडियो देखा, मैंने गुरुदेव का वचन सुना, शक्तिपुत्र महाराज जी का, और आप सब लोगों का ये चल रहा है उनका जो भंडा फोड़ कार्यक्रम, तो उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको। बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि आप तो लुट ही चुके हैं, पर आपकी वीडियो से कितने लोग लुटने से बचेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो के माध्यम से हम अपने चैनल के माध्यम से वहां तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो आपसे लुटे व्यक्ति हैं, या तो आप उनको काम कर दो, क्योंकि पैसा आपने इसीलिए लिया, 11 मस्तवाए करवाई थी इसीलिए करवाई है, सारे पैसे आपको दिए गए तो आपको इनका काम करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो फिर ब्याज शायद पूरा वापस कर दो, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो सरकार अपने संज्ञान में ले, इस तरह की लुटाई के कार्यों को बंद करे। जी जी, वो मैं तो अब इतना वो हो गया हूँ कि क्या बताऊँ, मैं तो माता जी का ही शुरू से भक्त हूँ, मेरे दादा परदादा भी माता जी के भक्त रहे हैं, बट किसी के कहने पे आकर मैं माता जी का वो छोड़ दिया था, और वो 2-3 बार देखा मैंने कि वहाँ दरबार में काली माँ का सवारी किसी को आता है तो वो चरणों पे झुकाते हैं, और
और माता जी दुर्गा जी का, शारदा मैया का, वहाँ पे खेल खिलाते हैं वो, मेरे चरणों में ऐसे देवी रहते हैं, सब कुछ बोलते हैं वो। तो हमें भी लगा कि भाई हो सकता है इतना बड़ा शक्ति है तो चलिए, अगर इतनी बड़ी शक्ति है तो उन्हें काम हमारा कर देना चाहिए। हाँ हाँ बस बस, और नहीं कर रहे हैं तो काहे की शक्ति। और उससे ज्यादा जब पहले मैं 2017 में जितना अच्छा था, मैं मेरा काम धंधा बढ़िया चलता था, उससे भी ज्यादा इतना व्यस्त हो गया हूँ, इतना कि मतलब आत्महत्या करने वाला ऐसा सिस्टम मेरे बुद्धि में आने लगा। नहीं, ऐसा गलत कदम नहीं उठाइएगा आप। ये मान लीजिएगा कि हम उनकी वैसे भी पोल खोलने में लगे हैं, और हम शासन प्रशासन से भी कहेंगे भैया इनका पैसा दिलवाया जाए। अच्छा, आपके पास क्या क्या रसीदें हैं? भैया जी सुनिए, हाँ, मैंने उन्हें अपना गुरु समझ के, अपना बिल्कुल आराध्य समझ के, अपने जो माता दुर्गा का जहाँ पे तस्वीर रखा है वहाँ जो दीपक जलाता हूँ मैं, प्रतिदिन पूजा करता हूँ, चालीसा करता हूँ, और वहाँ पर मैंने उन्हें उनका स्थान दे रखा है। वाह, मैंने ऐसा नहीं कि उनके बारे में कोई गलत भावना सोचा हो या कुछ भी हो, कि मेरे गुरुदेव हैं, कोई रास्ता दिखाएंगे, कोई मार्ग खोलेंगे, ऐसा करके उनको मैंने अपने माताजी के स्थान दे रखा है बराबर उसी जगह पर बैठा। 17 से 5, 22, 5 साल हो गए। जी हाँ, अगर वो कुछ कर सकते होते तो कर देते। कर देते, 5 साल में मैंने यहाँ तक की उनके, 1 साल तो उनका नाम से मैंने गुरु शरण महाराज के नाम से उपवास भी रखा है। अब इससे ज्यादा और क्या करेगा व्यक्ति, उपवास रखा है, उन्होंने जो नियम बताया था उनके हिसाब से मैंने पूरा प्रक्रिया किया है। हाँ। उसके बाद भी मैं इस विधा में घिरा हूँ कि आप ऐसा करें कि अपनी फोटो एक मोबाइल से खींच के भेज दीजिए मुझे, किसी व्हाट्सएप नंबर में। से आप मुझे करना नहीं आता, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए तो मैं फोटो भेज दूंगा। नहीं, जिस नंबर में आप बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक है ठीक है, तो इसी इस नंबर में आप सेव करेंगे तो शो हो जाएगा। हाँ, तो मैं बेटी से करवा दूंगा। हाँ, तो आप अपनी फोटो एक फोटो खींच के आप भिजवा दीजिएगा, और जितनी भी रसीदें हैं जी जी सभी रसीदें, और अपना नाम भी उसमें लिख दीजिएगा। हाँ, मैंने अभी मोबाइल में देखा कि मैं आपका देखते रहता हूँ अभी लगातार, करीब 8 से 10 दिन हो गया मैं लगातार आपका वीडियो देख रहा हूँ। हाँ, तो वो शिवराज सिंह चौहान जो अपना मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी गुरुदेव के उसमें गए थे शंखनाद में। हाँ हाँ, तो वो सारी चीजें मैंने देखा, तो मेरा मन को लगा कि ये सही है और हाँ, ये गलत हो रहा है। अब वो तो आपके साथ ही गलत हो गया, तो गलत तो हो ही रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं तो पूरी तरीके से, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो मानसिक तनाव है वो कुछ अलग तरीके से हो गया है। चलिए, हम आपकी वीडियो डालते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। आप ये अपनी बेटी को से कह के ये सब डलवा दीजिए। ओ ठीक है, और बच्चे वाली भी समस्या दूर नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, तो सब जैसा का वैसे ही चल रहा। चलिए, तो आप मुझे भेजिए, उसमें व्हाट्सएप में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। जी जी ठीक है, अब फिर हम निश्चित वीडियो बना के डालते हैं। आपकी सहमति है ना वीडियो डालने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप डालिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, आप सभी लोगों को उठ के खड़ा होना ही पड़ेगा, तभी ये लुटाई बंद हो पाएगी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है ये। हाँ, डालिए मुझे। जय माता, जय माता।